तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे रात में क्यों व्लॉग स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात है। तो रात में व्लॉग इसलिए स्टार्ट करिए क्योंकि सुबह से आपको पता है अकेली हूँ घर में, तो घर के भी इतने सारे काम थे, मेड भी नहीं आई थी क्योंकि आज गुड़गांव में इतनी ज़्यादा बारिश आई है। सुबह 6 बजे से आना शुरू हुई है और रात को 6 बजे आना शुरू हुई थी और 10 बजे के अप्रॉक्स बंद हुई थी। और आपको पता है गुड़गांव में जो सीवेज का सिस्टम है ड्रेनेज का, वो बहुत ही बेकार है। अगर आधे घंटे भी बारिश आ जाए ना तो यहाँ गोडो गोडो तक पानी भर जाता है। तो आज भी सेम वही हुआ। मैंने क्या करा ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने कपड़े धोने, मैंने रात को कपड़े धो के डाल दिए। मैंने कहा इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सूख जाएंगे, सुबह 7 बजे उठूंगी तो उठा दूंगी। तो मैं उठी 6:30 7 के आसपास टॉयलेट करने के लिए। सीरत भी मेरे पीछे पीछे उठ गई क्योंकि उसको, आपको पता है मैंने डायपर की हैबिट कब से छुड़वा रखी है, वो भी मेरे साथ उठ गई। तो गलियों में से ऐसी आवाज़ आ रही जैसे कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं कहीं से निकलने के लिए। मैंने कहा गाड़ियाँ इतनी स्ट्रगल क्यों कर रही हैं निकलने के लिए। मैंने कर्टेन हटाया अपने रूम से, ओ माय गॉड, पूरी पार्किंग तक हमारी भरी हुई थी नीचे, इतना ज़्यादा। मतलब बहादुर भैया नीचे नालियाँ खोल रहे थे तो उन्होंने अपना पूरा पजामा उतार ही दिया था एक तरीके से, गोडों से भी ऊपर ऊपर पानी था। और मेरी सारी मेहनत ख़राब हो चुकी थी, सारे कपड़े ख़राब हो चुके थे। दोबारा मैंने सुबह 7 बजे मशीन लगाई, दोबारा उनको सुखाया, फिर रूम में डाला। फिर 12-1 बजे मेरी जॉब स्टार्ट थी, लेकिन तब भी एकदम से इतनी कड़क धूप निकल गई, मैंने फटाफट रूम से निकाल के बाहर कपड़े शिफ्ट किए, फिर समेटना, खाना बनाना, सीरत देखना। और जॉब तो स्टार्ट हो ही गई थी मेरी 1:30 बजे। सर ने का कॉल आया था कि प्रिया ऑफ ले ले जब तक तेरी मदर इन लॉ एडमिट है, बट मैंने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ऑफ लेने का क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में है, मुझे सुबह शाम उनसे मिलने जाना होता है। अंकित भी तभी जाते हैं क्योंकि वहाँ स्टे नहीं करने देते, वहाँ स्टे करने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो फिर मैं घर के काम भी करूँगी और ये सब करूँगी तो मेरे को ऑफ नहीं चाहिए। जिस दिन नीड होगी मम्मी की सर्जरी या फिर जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेगा मम्मी के साथ क्या आगे का प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग मैं ऑफ ले लूँगी। तो अभी आपको दिख रहा होगा मेरा कमरा सारा मैसी सा पड़ा है, मैसी इसलिए क्योंकि मैं कंटिन्यू जॉब कर रही थी और सीरत को ये गिराना है वो गिराना है, तो मैं साथ के साथ तो उठा नहीं सकती क्योंकि मैं अपनी चैटिंग नहीं छोड़ सकती साथ में। तो मैंने कहा तू फिलहाल आराम से, जब जॉब खत्म हो जाएगी 10:30-11 बजे मैं तब सबको समेटूंगी। तो अब जस्ट जॉब खत्म हुई है, सब्जी बना के रेडी कर दी है। नीचे से हॉर्न की आवाज़ शायद आपको आ रही है, नहीं पता नहीं, अंकित हॉर्न मार रहे हैं। सब्जी बना के रेडी कर रही है, आके बस रोटी और थोड़े से राइस बनाऊंगी और अब मैं जा रही हूँ। ये सब भी मैं आके संभालूंगी, कपड़े भी फोल्ड करने हैं वो भी आके ही करूंगी। तो अब बस मैं जा रही हूँ क्योंकि मम्मी से मिलना पहले ज़रूरी है क्योंकि हॉस्पिटल के टाइमिंग्स है 11 बजे वो लोग मिलने देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है, बट इससे ज़्यादा डिले नहीं कर रही। तो बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट मम्मी से मिल के। मम्मी ने तो बोला है मत्ता क्यों इतना अपने लिए वो कर रही है, मतलब वो कर रही है कि अभी खाना ही बनाना है, खाना भी है 12:00, 1 तो तेरे ऐसे ही बच जाएंगे सोते सोते, फिर पार्ट भी है, सब कुछ है। तो मैंने कहा मिलना तो ज़रूरी होता है, देखो अपने मन की शांति नहीं हो पाती। तो बस मैं जा रही हूँ, मम्मी से मिलूँगी, लॉक वॉक कर देती हूँ और फिर आऊँगी घर। हॉर्न पे हॉर्न बज रहे, बस चलते हैं, आपको भी मिलाते हैं मम्मी से। आप भी मिलते हो मम्मी से ना, मम्मी को पता होना चाहिए कि उनके प्यारे व्यूअर्स, उनके यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स भी दिन रात उनसे मिलते हैं एक बार। तो बस अब गाड़ी में बैठ गए हैं, हम जा रहे हैं। सीधे तुम कहाँ जा रहे हैं? दादी को डॉक्टर ने मारा है, हम दादी के दादी के पास जा रहे हैं और 9 बजे से इस लड़की ने जिद पकड़ी हुई है, गोलगप्पे जो नहीं मिलेंगे, तो अब नहीं मिलेंगे। सीरत 11 बज गए, अब कोई गोलगप्पे वाला नहीं, खाली एक जगह मिल सकते हैं, मैं खिला के रहूंगा बेटा तेरे को, भले वो मेरे को 200 रुपए के मिल जाए। सीट पे बैठी है। हाँ जी, हाय गाइस। तो सीरत गोलगप्पे मांग रही है, 11 बज गए, अब मिलेंगे नहीं, सब मिल जाएंगे यार। ये सोच रहे होंगे कि स्विगी जोमेटो, सॉरी इतना भी अर्जेंट नहीं है, बच्चे को इतनी भी ऐसी आदत नहीं डालनी है तेरे को, कि उसने जो मांगा चाहे वो 10 रुपए की चीज 100 की मिले तो लाके दो। सॉरी 700 रुपए के, और मैंने भी मांगे थे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वो घर में गेट टुगेदर था प्रणव को, तो आप जानते ही हो, तो प्रणव को इतना वो था कि सबने बोला है गोलगप्पे खाने हैं खाने हैं, तो कहाँ से लाके दूँ। तो आई थिंक 10-15-20 गोलगप्पे होंगे, वो 700 रुपए के पड़े थे। जब मैंने बिल देखा था ना, मेरा दिल तो वहीं बैठ गया था। देखो ऐसा नहीं है कि मैं खर्चा नहीं करना चाहती किसी चीज पे, पर मैं जिस चीज की वर्थ नहीं है ना, मैं उस पर नहीं खर्चना चाहती, क्योंकि दिन रात 9-9-10-10 घंटे की जॉब करके बंदा मेहनत से पैसे कमाता है और उसको ऐसे लुटाए तो सॉरी दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो वही सेम चीज है, अभी सीरत को बोल रहे हैं, फिल्म में सुना देना, ये सेइंग है, ये डायलॉग नहीं है, ये सेइंग है। तो वही सेम चीज सीरत के साथ है, ये बोल रहे हैं अमेज़न से मंगा के खिलाऊंगा, क्यों खिलाऊं ऐसी, सॉरी स्विगी जोमेटो से, तो भाई क्यों खिलाए, मतलब बच्चा प्यारा है, सब हर माँ बाप को होता है, बट उसको ऐसा बनाओ कि वो हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट करे, ना कि मांगा तो शहजादी की तरह भी लाके रखो।
गोलगप्पे कल मिलेगा बाबू। हाँ वो रे गोलगप्पे वाले भैया, अगर हमारे आने तक वो टिके रहे तो मैं आपको वहां से खिला दूंगी, ठीक है? गोलगप्पे वो गप्पे हर मार्केट में मिलते हैं, पहले दादी से मिल ले फिर खाते हैं, ठीक है? ओके बस मम्मी से जाके आपको मिलाते हैं। आज प्रीति दी भी सुबह से नहीं गए, वो भी यही बोल रहे थे प्रिया मेड का चकपंगा है, जो मेड थी एक गांव गई हुई है फिर दूसरी को रखा, दूसरी कह रही है आज मेरा रेस्ट डे है तो आज मैं सो रही हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। और मेरे साथ भी आपको पता है बारिश की वजह से मेड का प्रॉब्लम था और मेरी तो जॉब का मेन प्रॉब्लम था। मेड तो चलो अपने आप एक डेढ़ घंटे में काम हो जाता है सारा, बट मेरी जॉब एक बजे से स्टार्ट हो गई थी तो मैं इसलिए नहीं गई। तो शायद प्रीति दी भी अभी गए होंगे, मैं भी अभी जा रही हूँ, तो बस मम्मी से मिलते हैं। गोगप्पे मिलता है मार्केट में, मिलता है गोगप्पे, ठीक। अच्छा मतलब तू व्लॉग अकेले। तो जीजू होरी भी आए हुए हैं क्योंकि ये खड़ी है उनकी थार, वो भी इसका मतलब आए हुए हैं। अगर आते जाते टकरा गए तो ठीक है, वरना वो निकलेंगे और हम एंट्री लेंगे, ऐसा सा सीन होगा। जो हॉस्पिटल में आने का ना एक रिवाज होता है पूरा, खानदान यहाँ बैठ के मजाक करने थोड़ी आया है। मैं पेशेंट के लाई हूँ फ्रूट, पति भी बच्चा खा रहा है, बच्चे की तो चल को देख। आंटी वो छुटकी देख रही है कब निकलेंगे, हमें सीरत रहने दे मरीज के लिए, पेशेंट के लिए। आने से मरीज के चेहरे पे कितनी खुशी आई, मैं कहूँगी आज आपका चेहरा बड़ा खिल गया, कहते हैं मैं आई नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं, कह रही है कि तू आई मम्मी से मिलने, ये नहीं मम्मी, मम्मी का आउटफिट भी चेंज हो गया, हॉस्पिटल वाला मिल गया, अब लग रहा है कि मम्मी पेशेंट है। हैं मम्मी आपकी पेंशन पे ये बड़ी ऐश करती है। कहता कि ड्रामा मत कर, वैसे तो तू सास की कदर नहीं करती, उनको दर्द में तड़पने देती तू, अगर अगर तेरे को ये पता होता कि उनकी पेंशन नहीं आ रही, उनकी पेंशन आ रही है इसलिए तुम हॉस्पिटल लेके भागे हो, वरना तुम तो ऐसे लोग हो तुम हॉस्पिटल ना लेके जाओ। ये मैंने लिखा उसको अच्छा खासा। हाँ तो कहता सब जानता हूँ मैं। तो हर्ष जी आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अच्छे तरीके से, जितनी आप कमाते हो ना, ये जितनी मम्मी की पेंशन आती है उससे 4 times ज़्यादा इसकी सैलरी है जो ये जॉब करती है। तो ये पेंशन के लिए कुछ नहीं होता, ये एक प्यार होता है जो हम लेकर आए हैं। बाकी आपको अभी हॉस्पिटल हूँ, जवाब इस बात का अभी गाड़ी में जब बैठूँगा घर पहुँचूँगा तब दोबारा दूंगा, तब तक के लिए इसमें खुश रहो। है? वो नहीं था, वो तो दूसरा था। आपका मुंह सूख रहा है, दवाई से हो रहा है, सूख रहा है ना मुंह। चलो भैया को बाय करो, बाय करो, बाय। एक रह गए सामने, दिख गए, चले इससे जाना है, इससे कम 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 कम। चलो भैया को सैल्यूट नहीं करा आपने, कर दो सैल्यूट। चलो बस 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 बस, तब तक लिफ्ट बंद हो गई। तो सीरत को आखिरकार हमने गोलगप्पे खिला ही दिए ना भाई। ओके हैप्पी, कैसे जी तू? यम्मी, गिर रहे यम्मी। हमें उम्मीद नहीं थी इस समय तक कुछ मिलेगा यहाँ पे, लेकिन थे आप। लसन वाला भैया। तो जी आज हमने फर्स्ट टाइम एक बार सीरत को गोला खिलाया था, जब सीरत आई थिंक एक साल कंप्लीट किया होगा या ऐसा कुछ होगा। मुश्किल से इतना बढ़िया फ्लेवर बनवाया था, लेकिन मैं खाने के चक्कर में था कि मैंने कहा सीरत छोड़ देगी उसको मैं पी जाऊंगा। होता ही है यार, गोला हर बंदे का फेवरेट होता है क्योंकि मौसम भी ऐसा है, सबने खाया। तो सीरत को तब खिलाया था मैडम ने, फेंक दिया।
तब सीरत को अच्छे से खाना नहीं आता था, यहाँ से ले लो ये रगोड़े वाला ले लो, ऐसे नहीं आता तब सीरत को खाना नहीं आता था जब हमने दिलाया था इसको, जब ये एक साल टच किया था इसने तब, बट अभी इसको प्रॉपर खाना आ गया और इसने इतना इंजॉय किया है। आपको गोला कैसा लगा फर्स्ट टाइम, क्या आया आपको खा के? बहुत मजा, बहुत मजा आया, कह रही मम्मा मजा आ गया। एक्चुअली हम लोग ट्रिप पे गए थे ना सब, इसको ये लगता है कि अगर आप साउंड क्रिएट करते हो इसका मतलब आपको बहुत मजा आया। तो भर बात में कहते गाड़ी में बैठ के मजा आ रहा है जैसे रात को, क्यों कौन सी पिक्चर थी रात को बोलते हैं तो हीरो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो भी देखी थी वरुण धवन की भेड़िया, वो रात को आवाज लगाते ना सारे वो मिलके, उसके अंदर ना जितने भी होते हैं भेड़िए होते हैं वो करते हैं कू, ये भी चालू हो गई दांत में। सीरत बहुत मजा आया, मामा सब घर जा रहे हैं यार, 12:04 हो गए, जल्दी जाके खाना खा के करते हैं रफू चक्कर। हां पुत्र, पेट्रोल कैसी है? पेट्रोल कैसी है? पेट्रोल ठीक है। तो बस हम इस वीडियो को एंड कर रहे थे कि हमने खाना वाना खा लिया, टाइम हो गया है 1:30, सीरत भी थोड़ी बहुत सोई गई है तो एंड कर रही थी। बट क्या होता है ना, अगर आप किसी चीज़ की मतलब होता है ना कि आप किसी चीज़ की क्या बोलते हैं अंकित, प्रेस करना जानते हो कि मुझे वो इंसान अच्छा लगता है, ये है वो है वो है, तो फिर नेगेटिविटी भी यार देखो वैसे ना, देखो मैं सही बताता हूँ, कोई भी बंदा बुरे कमेंट्स करता है ना तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हम लोग शायद इग्नोर भी कर देते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो खुद को सहन ही नहीं होती, बर्दाश्त ही नहीं होती, तो अच्छी बात है आप लोग व्लॉग्स देखते हो या कौन से ऐसे सस्ते नशे करते हो जो व्लॉग्स देख रहे हैं, ये बात भी आप लोगों को समझ नहीं आता, दिखता नहीं और तब भी ऐसी चीजें बोल देते हो, और ऐसी चीजें वही बंदा बोल सकता है जो बंदा मतलब अपनी फैमिली के लिए ऐसा कुछ सोचता होगा या करता होगा, मतलब उसका मैं वो सोचता हूँ कि उसकी सोच कहाँ तक जा सकती है या उसके घर पे ऐसा किसी ने करा होगा, तो उस बंदे को हम हाईलाइट भी नहीं करना चाहते, मतलब मैं नहीं चाहते क्योंकि मैंने कमेंट्स में अपना उसको जो भी मेरे अंदर था मैंने उसको सुना दिया था कमेंट्स में प्रॉपर तरीके से, बट सीरियसली आप लोगों के लिए बड़ा पिटी, मतलब मैंने भी ये चीज अगर घटी है, मैंने भी पढ़ी चीज, नाम अब क्या छोड़ो, नाम जिसका भी है वो समझ जाएगा। जब वो कमेंट आया ना, मैं प्रीति से कॉल पे बात कर रही थी मम्मी के हेल्थ के रिगार्डिंग, और मैंने प्रीति को कॉल पे उस पे रख के स्पीकर पे रख के मैंने दीदी कमेंट आया मैं आपको बताती हूँ, मैंने प्रीति को वो कमेंट सुनाया, प्रीति कहती हाय इसकी तो अच्छे से उतार दे तू, उनका भी यही सीरियसली लैंग्वेज थी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए हर एक चीज के अंदर ना, मतलब हर एक चीज के अंदर ये नहीं होता कि पैसा है तो पैसे की वजह से ये हो जाएगा, पैसे की वजह से वो हो जाएगा, ये रियल लाइफ है जो हम लोग दिखा रहे हैं, मतलब खाली शायद यही चैनल होगा जो रियल दिखा रहा होगा। और एक और चीज, कई लोग ये लिखते हैं कि आप ना अपनी लाइफ एक सोशल नेटवर्क पे प्लेटर कर रहे हो, प्लेटर में सर्व कर रहे हो, तो आप ना आदत डालो बुरे कमेंट्स की, हमने डाल ली ऑब्वियसली, अगर आप में से 100 में से 80% लोग अगर कमेंट करते हैं ना कि वी आर लाइकिंग योर व्लॉग देंगे वो ये वो, तो 20% गलत भी बोलेंगे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट एक थिन लाइन होती है गलत में और बहुत ही नीचे नीच वाला लेवल में, वो जब क्रॉस हो जाती है ना तब नहीं बर्दाश्त होता, बर्दाश्त है मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने तो आपको रिप्लाई में भी नीचे गॉड ब्लेस यू लिखा है, मैं आपसे इतनी आप लोग मेरे को भी बोल देते हो कि भाई वेला बैठा है, घर बैठा है, बीवी के पैसों पे वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, खा रहा है तो मतलब मैं अपनी जो लाइफ है, मेरी जो लाइफ है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसको इसके अंदर नहीं ला रहा क्योंकि ये हमारा एक अलग प्रोफेशन है, प्रोफेशन तो पहली बात ऐसा कहाँ लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है कि सिर्फ मेल कमाएगा और फिर फीमेल उसको खा के ऐश करेगी, ऐसा कहाँ लिखा है, जब इक्वल दोनों हैं तो जरूरी नहीं है। अब हाँ ये होता है कि मेरी वाइफ जो प्रिया है उसका वर्क फ्रॉम होम है तो वो अपना काम घर से करती है, उसका दिख जाता है, लेकिन मेरा जो काम है वो बाहर का काम है, वो मैं आप साथ अपने कैमरा लेकर नहीं जाता ना, मुझे वो लाइव दिखाने का शौक, तो वो चीज हम लोग करते हैं, समझते हैं, कोई बात नहीं, लोग हैं तो बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, हर बंदे का अपना मुंह है, कभी गलत जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जो चीज थी ना पेंशन वाली, ये चीज बहुत गलत थी। तो अब जिनको नहीं पता कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो मम्मी को हॉस्पिटल वाला ब्लॉग डाला उसमें आप नीचे जाके देखना, एक बड़े ही बुद्धिमान हमारे व्यूअर है, उनको तो मैं सब्सक्राइबर भी नहीं काउंट करना चाहूंगी बिकॉज आई रियली डोंट वांट सच काइंड ऑफ पीपल इन माय यूट्यूब फैमिली, तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा कमेंट किया है कि वो भी तू तरीके से, मैं उनको फिर भी आप करके रिस्पेक्ट दे रही हूँ, रिप्लाई में मैंने उनको गॉड ब्लेस यू बोला, बट
छोड़ो। तो उन्होंने क्या कमेंट किया है कि प्रिया तू तो ऐसी है कि तू हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाती, तेरे को पता है तेरी सास की पेंशन आ रही है तो इसलिए तू ले गई उनको, अदरवाइज तुम लोग तो ऐसे हो जो 10 रुपए का बैग मॉल में बचाते हैं, वो अपनी सास को दर्द में तड़पने देती, पेंशन दिख रही है सास की तो पूछ लिया, वरना तो तू सास को पूछती भी नहीं। मतलब तो हर्ष जी मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ, जितना आप सोच नहीं सकते ना उससे ज्यादा कमाई है यहाँ पे। हाँ, जितना सोच नहीं सकते ना आपसे चार गुना ज्यादा अर्न करती हूँ, बट उस चीज का घमंड नहीं है। ठीक है, करते हैं, खुल के करते हैं, खर्चा भी करना है, बचाना भी है, बचा कर भी ये नहीं कि हाँ अपने बचाएंगे भी तो अपने लिए बचाते हैं और किसी के लिए नहीं बचाते। अगर कहीं दूसरी जगह खर्चा करना है ना तो जहाँ पे अगर 1000 रुपए लग रहे हैं तो वहाँ पे 2000 रुपए लगा के आते हैं। आपको ये नहीं पता होगा डेली डेली का हम लोगों का खर्चा ही कितना है। आप लोगों के लिए मैं हर्ष जी आपके लिए मैं फिर भी यही प्रे करूंगी सच्चे दिल से कि आपकी फैमिली में आपकी मदर का, क्योंकि हर्ष नाम से ऑब्वियसली यू आर अ बॉय यू आर अ गाय, तो आपकी माँ का और आपकी वाइफ का ऐसा रिलेशन ना हो, ठीक है, जैसा आप सोचते हो कि सास की बहू तभी सेवा करेगी जब बहू को दिख रहा है कि सास के थ्रू उसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ पेंशन, कुछ ना कुछ सैलरी मिल रही है। तो बस आपकी बीवी का ऐसा रिश्ता ना हो, क्योंकि हमारा तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जो आप सोचते हो आप देखते हो आपकी चॉइस है। और एक सब्सक्राइबर है माइंड फ्रीक, मतलब एक वो है और एक आप, हाँ, दोनों में कितना बहुत बढ़िया, मतलब फर्क है। मैंने इतने मैसेजेस पढ़ता हूँ रोज, डेली पढ़ता हूँ, हैट्स ऑफ है यार, मतलब। और मेरे ख्याल से कोई गलत रिप्लाई करता है ना तो आप उसके ऊपर बोलते भी हो nice, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर चीज ऐसा नहीं होता कि आप नेगेटिव कमेंट लेके रखो, नहीं, आपको बोलते ना राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक वो आपका है, आपको बोलना चाहिए और आप बोलते हो, दैट इज वेरी ग्रेट थिंग। उन्होंने कितना अच्छा लिखा मेरे बारे में कि बच्चे को देखना है, बात ये नहीं है आप गलत लिखो जो मर्जी लिखो, लेकिन ये बात ना खाली हम तक रहे ना वो अच्छा है कि मैं काम नहीं करता या प्रिया ने कुछ ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा, लेकिन जब ये फैमिली के साथ रिलेट हो जाती है ना चीजें तो फिर गुस्सा चढ़ता है, वो चीज समझ नहीं आती कि आप देखते क्या हो। अगर देख रहे हो या तो मेरे ख्याल से आपने पहला व्लॉग देखा होगा, या तो अगर स्टार्टिंग के व्लॉग्स आप देख रहे हो तो पहली बात ये सवाल ही नहीं आना चाहिए आपके मन के अंदर कि हमारी फैमिली कैसे रह रही है, क्या कर रही है, किस तरीके से रह रही है। भाई हर जी अभी भी कहूंगा होते हैं ना, मत होती है बंदे से शैतान करवाता है ये सब, हमने तो यही सीखा। तो बस आपका वो शैतानी शक्ति आपके अंदर से निकले, आप में वाइब भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे, ताकि चीजें अगर दो नजरिए से देखी जाती है, एक अच्छे एक बुरे, अगर आपको बुरा भी दिख रहा है ना तो आप उसको इग्नोर करके एक अच्छे नजरिए से देखने की कोशिश करें, आपकी जिंदगी भी आसान रहेगी और आप जो दूसरों को देख रहे हो ना उनको भी थोड़ी पॉजिटिविटी दे पाओगे। वही थैंक यू माइंड फ्रीक जी, मेरा जितना भी मूड ऑफ होता है ना ऐसे घटिया कमेंट से आप उसको फ्रेशन अप कर देते हो, बिकॉज यू गिव मी सच गुड वाइब्स, तो आपको थैंक यू सो मच। बाकी हर्ष जी प्लीज थोड़ा सा सुधर जाओ प्लीज, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। बाकी आप सबने मम्मी के लिए इतनी सारी प्रेयर्स की तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कई लोगों का क्वेश्चन था कि आपने जनरल वार्ड में क्यों शिफ्ट कराया, तो उनका मैंने रिप्लाई किया था, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या होता है ना उनका कुछ पैनल होता है, तो CGHS कार्ड के अंडर उनका यही वाला पैनल में यही वाला रूम था, और एज पर द यू नो सिचुएशन भी रूम मिलते हैं, लाइक लास्ट टाइम जब मम्मी को कुछ हुआ था सर्दियों की बात है तब उनको दूसरा रूम मिला था, अभी दूसरा मिल गया, तो बस नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने प्राइवेट रूम के लिए भी बात करी थी कि प्राइवेट रूम मिल जाए, लेकिन इस समय वो अवेलेबल नहीं था पार्क हॉस्पिटल के अंदर। अवेलेबल भी होगा ना इन द केस तो मैं आपको बता दूं मम्मी नहीं लेंगे, क्योंकि जो मम्मी लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मेरी भी यही थी मेंटेलिटी कि मैं प्राइवेट रूम करवा देता हूं, मैंने बहुत कंफर्म भी करा लेकिन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि पुराने जो लोग होते हैं ना वो बच्चों के लिए इतना बचाना चाहते हैं ना कि चाहे कुछ जितना मर्जी सफर कर ले, उनकी ये सोच है। कल भी मैं और मम्मी मैं और अंकित हम दोनों को ही ये पता है कि हम मम्मी को हॉस्पिटल कैसे लेके गए हैं, परसों रात से मैं उनके पीछे पड़ी हूँ, चलो 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 कल चलूंगी परसों चलूंगी, मैं बड़े धक्के देके, इवन मेरे को एक बार तो थोड़ा सा लाउड भी अपनी वॉल्यूम करनी पड़ी थी कि मम्मी अब आप चलो आपको बहुत हो रहा है, ऐसे करके बोलना पड़ा था मुझे उनको ले जाने के लिए, क्योंकि इवन मेरे उधर के पेरेंट्स भी ऐसे हैं जहाँ 2 रुपये बच रहे होंगे ना वो बस उस चीज को ही सोचते हैं, बाकी मेरे में मम्मी में बहुत ज्यादा प्यार है और नचोल किसी की नजर भी ना लगे, बाकी जो लोग बोलते हैं देखो वो बोलते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी थोड़ा ये सेइंग्स बनी है, तो बस आप भी बोलते रहो हम भी सुनते रहेंगे, जो मेरे लेवल के पार होगा मैं उसका जरूर वीडियो में। तो प्लीज हर जी थोड़ा समझदार बनो और आई होप कि अपनी फैमिली के साथ ऐसा कुछ ना करो आप। हाँ। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग मम्मी के लिए कीप ऑन प्रेयर्स करते रहो, बाकी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है और अंकित की रिस्पांसिबिलिटी है, आपको मम्मी से सुबह शाम मिलाते रहेंगे, बाकी कल जो इनकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा,
वो कल के ब्लॉग में, क्योंकि ये करना रिपोर्ट नॉर्मल हो, क्योंकि मम्मी भी घबरा है और मेरे रिपोर्ट में ये तो नहीं आएगा वो तो नहीं आएगा, उनको भी अभी यही समझा के आई हूं नेगेटिव मत सोचो सब ठीक आएगा। तो इस वीडियो को मे भी एंड करते हैं, होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहो, मम्मी के लिए विश करते रहो, अभी हमारे लिए तो कुछ भी मत बोलना, गुड ब्लॉग ये वही बस मम्मी के लिए बोलते रहो। तो बस आप अपना भी ख्याल रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, और पैसा वैसा कुछ नहीं है, आए भी ऐसे थे और जाओगे भी ऐसे ही, तो उसके बारे में प्लीज कमेंट्स ना किया। चलो बाय।